क्षेत्रीय सांसद केपी यादव पहुंचे बमौरी। मैना के हाई सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय आविष्कार प्रयोगशाला का किया लोकार्पण। जी हां, गुना जिला बमौरी विधानसभा गेल द्वारा मयाना के हाई सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय आविष्कार प्रयोगशाला के लोकार्पण में सांसद केपी यादव पहुंचे और मयाना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को संबोधित किया। श्री यादव भाजपा नेता अरविंद सिंह, मोहन सिंह, बीरेन धाकड़ के घर पहुंचे। वहां पर उनके सिर पर साफा बांध कर सांसद का स्वागत किया गया। सांसद केपी यादव का सुलावटी पंचायत पर भी फटाके फूलमालाओं से स्वागत किया गया। यहाँ की क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याएं सांसद महोदय के सामने रखी, जिसमें मूलभूत समस्याएं सड़क, खेल मैदान और विद्युत की रहीं। सांसद ने तुरंत समस्याओं को हल करवाने का आश्वासन दिया। गुना जिला ब्यूरो चीफ राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। मेरा नाम देशराज सिंह राजपूत है। कौन से गांव में रहते हो आप? ग्राम पंचायत सिलाटू, ग्राम रामगढ़। तो आज जो आपके गांव में सांसद मोदी आए थे केपी यादव जी, ग्रामवासियों की क्या समस्या बताई ग्रामवासियों ने? मूलभूत समस्या क्या देखने आए थे, क्या सुनने आए थे वो? मूलभूत आवश्यकता यही थी ग्रामीणों की, कि जैसे अभी ये BPL की लाइट वगैरह है, बहुत से लोगों के पास घरों पे लाइट नहीं जा रही है, और ये कुटी का चल रहा है, PM किसान निधि के जो रुपये रह गए वो भी रह गए हैं, और कुटी आवास। तो सांसद जी क्या आश्वासन दे गए? सांसद जी ये कह गए, मैं हर 24 घंटे आपके तत्पर रहूँगा, जो भी आपकी समस्याएं हैं, और सभी लोगों के प्रेमपूर्वक उन्होंने आवेदन भी लिए। तो जो जो कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यक्रम किसके द्वारा था ये सलाउट पंचायत में? मुख्य रूप से हमारी युवा मंडली के ये राधे भदौरिया, देशराज सिंह राजपूत, मोहन सिकरवार, भगवान सिंह दादा ठाकुर एवं बहुत। तो क्या क्या परेशानी थी वैसे आपकी, मूलभूत परेशानी रामगढ़ की सलाउटी पंचायत की? मूलभूत परेशानी वो ये है, वहाँ पे एक सड़क नहीं है, तो वह एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, और ये BPL की लाइट है वहाँ। अब क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो सभी गांव में हो, जो समान अधिकार सभी के लोगों के हित में हो रहा है, ऐसा हो। तो अभी आपने इसकी शिकायत विधायक वगैरह से नहीं करी थी, क्षेत्रीय विधायक वगैरह से? सभी से की है, लेकिन वो सब आश्वासन के अलावा कुछ लोगों के हाथ ऐसा लगा नहीं। और इस बीच हमारे खेल मंडली भी आई थी, जो अपने खेल के माध्यम से परिश्रम करके उन्होंने एक अभी खेल मैदान बनाया है, तो उनकी भी उनने किट वगैरह क्रिकेट की चीज़ों की मांग की, तो उसका भी आश्वासन मोदी। तो सांसद मोदी के आश्वासन से आप लोग आश्वस्त हैं, आने वाले समय में सांसद जी आपकी मदद करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। उन्होंने कहा आप एक एक बात लिख के दीजिए, मैं आपके लिए सदैव तत्पर रहूँगा।